नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बेमित्रा हत्याकांड से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। बेमित्रा हत्याकांड में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। 12 मुख्य आरोपियों के नाम है। 22 साल के भुवनेश्वर साहू की सांप्रदायिक तनाव के दौरान हत्या कर दी गई थी। भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू, इसके बाद भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू को बीजेपी ने टिकट दिया साझा से और वो विधायक बने। उन्होंने सबसे पहले यही मांग रखी सीबीआई जांच की और अब इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गरियाबंद के नक्सल प्रभावित इलाके आमामोरा और ओढ़ से मतदान दल सकुशल वापस लौट गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान के बाद आज 16 सदस्यीय मतदान कर्मियों की टीम वापस लौटी है। करीब 96 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर से ये टीम गरियाबंद वापस पहुंची। बिलासपुर में फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध कॉम्प्लेक्स पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नूतन चौक में अवैध दुकान बनी हुई थी जिससे निगम ने बुलडोजर चलाकर ढा दिया। नगर निगम कमिश्नर के आदेश के बाद अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने यह कार्रवाई की है। इंदौर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। बाइक सवार दंपति को एक कार ने टक्कर मारी और बोनेट पर बाइक सवार लटका रहा। बोनट से गिरने के बाद कार ने युवक को कुचल दिया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। एमवाई अस्पताल में घायल को भर्ती करवाया गया है। और अब बड़ी खबर जशपुर से। बारात की बस और ट्रक में आपस में टक्कर हो गई। एक बाराती की मौत हुई है जबकि 2 बाराती घायल हैं। इन घायलों को इलाज के लिए पत्थलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पत्थलगांव थाना इलाका लगता है। सुखरा पारा की ये घटना है। मध्य प्रदेश में बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले में नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नाराज है। हादसे रोकने के कोई ठोस उपाय न होने पर यह नाराजगी आई है। पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी का नाम बताने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा है। नई पॉलिसी बनाने के लिए 2 हफ्तों का समय मांगा गया है। ये स्थितियां तब हैं जबकि तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो ज्यादातर फेल हुए हैं। ये स्थितियां तब हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट सख्त गाइडलाइन दे चुकी है। ये स्थितियां तब हैं जबकि हर इस तरह के हादसे के बाद जो जिम्मेदार हैं वो ये बोलते हैं कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धार की भोजशाला का लगातार सर्वे जारी है। सर्वे का आज 37वां दिन और एएसआई की टीम सुबह से सर्वे में जुटी हुई है। भोजशाला में खनन के दौरान एक प्रतिमा मिली जो खंडित अवस्था में है। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि खंडित प्रतिमा सनातन धर्म से जुड़ी है, तो वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने बताया कि प्रतिमा बुद्ध की है। फिलहाल 29 अप्रैल को एएसआई की टीम को इंदौर हाईकोर्ट में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है। कल अवशेष तो रोज ही निकल रहे हैं, जो खंडित अवशेष है। जो कल भी काम करते वक्त एक चेहरा जो सनातन प्रतिमा का था केवल चेहरा चेहरा भाग निकला है और मुगलों की आक्रमण की दास्ता कह रहा है। जो मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ उल्टे हाथ पर जो खुदाई चल रही थी, जिसमें पहले भी जो हमारी आपत्ति थी कि माननीय महात्मा गौतम बुद्ध जी की जो एक पूरी मूर्ति मिली थी, कल वहीं पर से थोड़ी सी उससे करीब करीब 9 इंच आगे, सिर्फ 9 इंच आगे, ज़्यादा भी नहीं, एक खंडित टाइप ऊपर का जो चेहरा है 4.5 बाय 5 इंच का,
वो प्राप्त हुआ है करीब 10:50 पर, तो वो भी गौतम बुद्ध जी की दिख रही है, गौतम बुद्ध जी की है। तो हम लोगों ने कल फिर वही क्वेश्चन किया कि सर आप इसको किस धर्म के आधार पर, किस तरीके से, क्या टाइमिंग से इसको पेश करेंगे और क्या लेवलिंग इसकी करेंगे, तो वो लोग सब मौन थे और वही बातें और वही चीजें इसको गुप्त। धार की गौशाला का लगातार सर्वे जारी है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर यह सर्वे किया जा रहा है। ASI की टीम जो है धार की गौशाला में पहुंच चुकी है। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के लोग और कुछ मजदूर भी गौशाला में अंदर मौजूद है और हाल फिलहाल में जो है सर्वे का काम किया जा रहा है। इस सर्वे को लेकर ताज़ा अपडेट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो है एक प्रतिमा मिली है। हिंदू पक्ष का दावा है, हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने दावा किया कि यह प्रतिमा जो है सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर बताना चाहेंगे कि इसी प्रतिमा के बारे में मुस्लिम पक्ष का कुछ और कहना है। मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यह प्रतिमा जो है गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। एक प्रतिमा गौतम बुद्ध की पहले भी गौशाला से मिल चुकी है और यह दूसरी प्रतिमा है। हालांकि ये प्रतिमा जो मिली है दूसरी वाली ये खंडित प्रतिमा है और ये जो है इस प्रकार से ये पूरा सर्वे चल रहा है। ASI की टीम लगातार सर्वे में जुटी हुई है। हालांकि ASI की टीम ने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं खुलासा किया है कि ये प्रतिमा किसकी है और क्या है और कब यहाँ थी। ASI की टीम ने कुछ भी नहीं बताया है। वहीं दूसरी ओर यदि हम सुरक्षा की बात करें तो धार की भूतशाला सहित पूरे धार शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नवीन मेहर, News 18 धार। इधर जबलपुर कबाड़ गोदाम ब्लास्ट की जांच तेज कर दी गई है। NIA और NSG की टीम जांच करने के लिए पहुंची है। धमाके के बाद मिले थे बम के खोखे और यही वजह है कि इसे बेहद गंभीर माना गया और अब NIA NSG की टीम इसकी जांच कर रही है। अभी भी यहां पर विस्फोटक सामग्री हो सकती है, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है, आशंका जताई जा रही है। और जबलपुर में कबाड़ गोदामों को लेकर एक्शन का सिलसिला चल रहा है। जैसे कि हर बार होता है किसी भी हादसे घटना के बाद एकदम से नींद से जागता है प्रशासन, वैसे ही इस बार भी नींद से जागा है। शहर भर के कबाड़ गोदामों की जांच हो रही है, ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी की जांच हो रही है, फायर सेफ्टी और उपकरणों की जांच हो रही है। कबाड़ गोदाम संचालकों की लापरवाही सामने आई है, हादसे रोकने के लिए कहीं कोई इंतजाम नहीं मिले हैं। मैहर में हुआ है सड़क हादसा, एक ट्रक से कार जा टकरा।